Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Namaskar friends, Prakash Tarot Card Reader ka bahut namaskar. Citizenship Amendment Bill aane ke baad uske upar humne dekh rahe hain televisions mein ek kis tarike se alag alag राज्यों में प्रोटेस्ट हो रही है और स्पेशली स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो बिल है ये तो शरणार्थियों के लिए है और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में हिंसा भी हो रही है, हिंसा की वारदातें हो रही हैं। तो ये क्या रुकेगा या नहीं रुकेगा? सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं तो उसमें क्या होगा, तो उसके लिए है ये रीडिंग। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के पक्ष में होगा और यकीनन अच्छी न्यूज़ जल्दी ही मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इसको ये नहीं करेगा, खारिज नहीं करेगा इस लॉ को, इस बिल को, ये बात तो पक्की है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट खारिज नहीं होगा। अब इस समय जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पे एक बोलते हैं ना मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड कन्फ्यूजन जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट वगैरह सब चल रहा है और इसको कैसे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने कि ये ख़त्म हो, तो ये दो कार्ड आए हैं। ये कार्ड शो करता है फोर्स, गवर्नमेंट शुड यूज फोर्स, जहां पे जरूरी हो वहां पे बराबर फोर्स यूज करके ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि हमने देखा कि हाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, उस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस से ये कंट्रोल में आएगा, ये साफ साफ दिखता है। फिर अभी समय मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है इस बिल को लेकर, तो वो ये छोटी मोटी प्रोटेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसका जो इफेक्ट बड़े पैमाने पे क्या होगा वो बहुत आगे की सोच रहे हैं। ये शो करता है कार्ड, ये जो बिल है इसके पीछे उनके दिमाग में बहुत आगे की सोच है, इसके लिए वो ये छोटी मोटी प्रोटेस्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और क्या करेंगे मोदी जी? ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो मोदी जी एक कुछ न कुछ तुरुप का इक्का फिर से निकालने वाले हैं। वो बोलते हैं ना जादूगर कैसे निकालता है, हैट में से खरगोश निकालता है तो हम सबको हैरानी होती है, वैसे ही मोदी जी भी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि लोगों का ध्यान इस चीज से हट जाएगा। फिर अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है ये प्रोटेस्ट वगैरह को लेकर, तो वो तो खुश है, लवर्स कार्ड आया है कि भैया करो, बिल्कुल करो। लेकिन एक बात और भी है कि वो यकीनन इस प्रोटेस्ट को काबू करने में कामयाब होंगे बहुत जल्दी। ऑल इन ऑल एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है और 100% श्योर कि गवर्नमेंट विथ रिस्ट्रिक्शंस एंड फोर्स ये कंट्रोल करने में कामयाब होगी और सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें इस लॉ को खारिज नहीं किया जाएगा, ये बात तो पक्की है। दैट्स इट फॉर नाउ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।